क्वालिटी मोबाइल 2। तो तुम लोगों ने कमेंट भर रखे थे क्वालिटी मोबाइल 2 के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और वैसे भी गेम तो आना ही है, एलियंस के लिए थोड़ी बना ले, वो लोग हमारे लिए बना ले, क्योंकि उनका प्रॉफिट भी तो हम ही लोग करवाएंगे। वैसे देखो एक्सर कोडियम नाम का एक बंदा है, वो जो न्यू गेम आने वाली है ना इसके ऊपर अपडेट देता रहता है। उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। उसका एक दोस्त भी है, क्योंकि न्यू गेम की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे से ज्यादा इन लोगों के पास है। लेकिन मैंने अपना पिटारा भर लिया व्यूज की बहती गंगा के अंदर हाथ धोने के लिए। तो एक्टिविजन की मोबाइल की नई गेम का हाल BGMI या न्यू स्टेट जैसा ना हो उसके लिए 4 स्टूडियो को काम पे लगाया। मतलब गेम इतना मक्खन के तरह चलने वाला कि अमूल बोलेगा मैं जाता हूँ अपने दूध की चाय बनाने। सिंपली मतलब हर डिवाइस के लिए गेम मस्त चलने वाला है। बस दुआ करो हमको एक्स्ट्रा की 50 GB के हार्ड डिस्क से जोड़नी पड़े गेम को डाउनलोड करने के लिए, और इनको क्रॉस प्लेटफॉर्म करना था फोर्टनाइट की तरह। तुम्हारा एक दोस्त PS4 पे, दूसरा PC पे और तुम मोबाइल पे। लेकिन ये वाली चीज शायद ही हो, फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि GTA San Andreas का जो PC वाला वर्जन था वो मान लो 5 GB का था और मोबाइल के अंदर 2 GB के अंदर आया था। तो किसी PC गेम को मोबाइल के लिए कंप्रेस कर करके वो लोग आधे साइज तक ला सकते हैं। और वॉर्ज़ोन तो डबल सेंचुरी मार के रख दी है, कंप्रेस कर करके निकाल भी दिया प्ले स्टोर एप स्टोर पे। सबके मोबाइल की स्टोरेज बोलेगी नहीं होगा भाई हमसे, हमको जाने दो। इसके बाजू में कैंडी क्रश है, उसको डाउनलोड कर ले। वैसे इन लोगों के हिसाब से बस टेस्ट था मोबाइल के लिए क्वालिटी का, क्या जो क्वालिटी की फ्रेंचाइज है मोबाइल के अंदर भी अच्छी चल पाएगी या नहीं। इनको पता ही नहीं था कि इतनी ग्रो हो जाएगी। तो अब एक्टिविजन मोबाइल के लिए भी बहुत सीरियस हो चुका है। अगर तुमको नहीं पता, बाहर वाले कुछ लोग हैं जो कि मोबाइल गेमिंग को मानते ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद देखो अपने मोबाइल की सबसे पॉपुलर गेम कौन सी है, फ्री फायर। फिर उसके साथ जोड़ लिया जाता क्वालिटी को पबजी को, जो कि बिल्कुल अलग ही उससे। तो वहाँ के बड़े बड़े इन्फ्लुएंस ही बोलते थे कि मोबाइल पे गेमिंग करना बहुत ईजी है, मोबाइल की गेम नहीं चलने वाली तुम्हारी। लेकिन फिर भी क्वालिटी ने ट्राई किया और एक ही साल में फ्री फायर से 5 गुना ज्यादा पैसा कमा लिया। और इतना ही नहीं, मैंने किसी फोटो के अंदर देखा था कॉल ऑफ ड्यूटी PC के जो 3 गेम है उनको मिला दे उनका जितना रिव्यू बनता है उससे ज्यादा अपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का बना था। मतलब इनको जिस गेम के ऊपर विश्वास था ही नहीं उसने इनको इतना कमा के दे दिया। ये लोगों ने बोला हमको और मांगता है, एक और गेम बनाओ, इतना पैसा कमाएंगे किसी गेम वालों ने सोचा नहीं होगा। अब यहाँ पे हम हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। अभी बीच में गेम आया था कॉम्बैट मास्टर करके, बड़ों से लेकर छोटे क्रिएटर सब ने निचोड़ा था उस गेम को। और यकीन मानो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के वीडियो से ज्यादा व्यूज कॉम्बैट मास्टर वाले वीडियो पे आए थे लोगों को। आईफर्क अपना कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको निचोड़ नहीं पाया, वरना उसका मन भी बहुत था। उसकी फ्री में इतनी एडवर्टाइज हो गई कि वो गेम इतनी पॉपुलर चली गई एक्टिविजन को खुद उसको प्ले स्टोर से हटाना पड़ा। वो बेचारे गरीबों का पिज्जा छीना है, पिज्जा हाँ रोटी थोड़ी खाएंगे वो बाहर वाले पिज्जा ही खाएंगे। एक बार सोचो तुमने गेम बनाया और वो एक दिन के अंदर इतना पॉपुलर चला गया, तुम खुश पार्टी करी रात को, सुबह उठ के देखा गेम गायब। अब सोचो इनको कोई मतलब ही नहीं होता, तो कॉम्बैट मास्टर को बस इग्नोर मार देते, वो थोड़े हफ्तों तक चलता उसके बाद उसकी हाइप भी खत्म, या फिर क्या पता क्वालिटी को पीछे छोड़ देता। अब बस डेली यूजर के मामले में पैसे में तो क्वालिटी का एक लकीडो ऐसे हजारों गेमों को निकाल देगा। अरे हाँ लकीडो से याद आया, जो प्लेयर्स ने अपना खून पसीना पेशाब बहा के लकीडो क्रेट बंडल इवेंट के नाम पे पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी करना, चक्की पीसना, टाइम पैसा बर्बाद करके जो उन्होंने लिया इधर अपनी खजाने की टोकरी यानी कि अपने अकाउंट के अंदर डालना, तो क्या ये वाला अकाउंट उस वाली नई गेम के अंदर ट्रांसफर होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखो अगर तुम एक प्लेयर के दिमाग से सोचोगे तो 100% हमको हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की स्किन जो हमने टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके ली है वो न्यू गेम के अंदर मिलनी चाहिए। अब मैं तुमको फ्री गाइड जो कि एक पिक्चर जिसके अंदर गेम है फ्री सिटी उसका एग्जांपल देता हूँ। जब उनकी गेम फ्री सिटी बहुत हिट हो गई तो उन्होंने फ्री सिटी 2 निकाली, जो कि पहले बोला कि तुमको फ्री सिटी 1 के जो भी स्किन वगैरह वो सब तुमको फ्री सिटी 2 के अंदर मिल जाएगी। लेकिन बाद में फ्री सिटी 1 की एक भी चीज को ऐड नहीं किया, बल्कि A to Z नई नई चीजें ऐड की उधर। अब अगर कोई कंपनी न्यू गेम बनाती है मतलब उसके अंदर अलग से खर्चा लगेगा, अब उसको कवर करने के लिए वो वही करेंगे जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। और यहाँ पे BGMI पबजी को कंपेयर मत करना, BGMI न्यू गेम है ही नहीं, वो बस पबजी है कि नाम चेंज हुआ है, सेम टू सेम डिटो कॉपी पेस्ट है। और इधर तो अपने को एक नई गेम मिल ले ली है, तो हमेशा कंपनी के दिमाग से सोचो। बाकी बस तुम लोगों का कमेंट के अंदर तुमको क्या लगता है, नई गेम से रिलेटेड कोई भी थ्योरी हो बताना मत भूलना कमेंट के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो दोस्तों को जो फ्री फायर खेलते हो, बोले नई गेम आ रही है जो कि तुम्हारे फोन के अंदर नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये लोग बोले 10 GB तक का साइज आने ही वाला है, इतना तो होगा ही भाई। छोटे मोटे मोबाइलों के लिए तो ये गेम एक वायरस होगा, जैसे डाउनलोड किया अगले दिन न्यूज आई मोबाइल ने किया आत्महत्या, प्ले स्टोर से नई गेम को किया डाउनलोड जिससे इसकी सांसें फूल गई, किडनी के साथ स्नैप ड्रैगन हुआ फेल, मोबाइल भी बोल पड़ा हाय हाय मैं क्या करूं निकालो मेरी ट्रेन।